आप सभी का गायत्री किचन में स्वागत है। किसी कारण की वजह से हमने कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आज हम बनाएंगे एक झटपट बनने वाला नाश्ता जो आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी का नाम है चकली। तो आइए जानें इसे बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चकली बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम बेसन और 200 ग्राम चावल का आटा, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा आधा चम्मच अजवाइन और कलौंजी, सेंधा नमक, हींग और चकली को तलने के लिए रिफाइन ऑयल। चलिए चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक आटा गूंथने का परात लिया है और अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, चावल का आटा। अब हम इसमें 3-4 चुटकी हींग डालेंगे और अब हम इसमें अजवाइन और कलौंजी ऐड करेंगे, जीरा और काली मिर्च पाउडर और आखिरी में नमक। और अब हम इसमें 4 चम्मच रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसे अच्छे से हाथ से मिला लें ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिल जाएं। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मगर हमने नहीं डाला है। तेल अच्छी तरीके से मिल गया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंथ लेंगे। हमें इसे थोड़ा सख्ती गूंथना है। देखिए हमने चकली के आटे को इस तरीके से सख्त गूंथ लिया है। तो चलिए अब हम चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चकली के आटे को इस तरीके से हाथों से रोल कर लेंगे और ये देखिए ये है नमकीन बनाने का मशीन और इसके अंदर हम तेल लगा के इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। चकली बनाने का सांचा हमने अंदर डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस भी कर लिया है और अब हम चकली के आटे को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और अब हम इसके ऊपर के पार्ट को इस पर लगा देंगे और इसे अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। चकली बनाने वाली मशीन को हमने अच्छी तरीके से लॉक कर दिया है और आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है ये हमें हैंडल की तरफ इसका फेस होना चाहिए। इसका मतलब कि जो आपका लॉक है ये अच्छी तरीके से हो गया है और अब हम चकली बनाएंगे। और अब हम चकली बनाएंगे, इसके लिए हमने एक थाली लिया है और इस तरीके से मशीन को ऊपर से प्रेस करते करते हम चकली का शेप देंगे। देखिए हमने एक चकली बना लिया है और इस तरीके से हम और भी चकली बनाएंगे। और इस तरीके से हम बाकी चकली को भी बना लेंगे। हमने चकली को बना लिया है और अब हम इन्हें तलेंगे। चकली को तलने के लिए हमने एक नॉनस्टिक पैन का यूज किया है। हमने इसमें तेल डाल दिया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक की जगह किसी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है और अब हम चकली को तेल में डालेंगे।
हमारे गैस का फ्लेम अभी हाई है और कुछ सेकंड के बाद हम उसे मीडियम कर देंगे। जब ये एक तरफ से हल्का गोल्डन हो जाए तब हम इसे पलट लेंगे। चकली हमारा दोनों तरफ से हल्का गोल्डन हो गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरीके से हम बाकी के चकली को भी तल लेंगे। पलटते वक्त आप ध्यान रखें, इसे धीरे धीरे ही पलटें, नहीं तो जो हमारा चकली है वो टूट सकता है। चकली बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कुरकुरे होते हैं। आप इसे शाम को चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।